नई दायित्व वाले लोग हैं तो मैं परिचय करवा दूं ताकि आपको भी सुविधा रहेगी। श्रीमान मनसुख भाई मांडविया, वे अभी हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। उनके साथ MOS के रूप में डॉक्टर भारती पवार जी भी बैठी हैं, वो हमारे हेल्थ विभाग में MOS के रूप में काम कर रही है। दो और लोग हैं जिनका आपका संबंध रेगुलर रहने वाला है, वो है डोनर मंत्रालय के नए मंत्री श्रीमान जी किशन रेड्डी जी, और उनके साथ MOS बैठे हैं श्रीमान BL वर्मा जी। तो ये परिचय भी आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों, कोरोना से नॉर्थ ईस्ट में आप सभी किस प्रकार से कुछ इनोवेटिव आइडियाज के साथ इससे निपटने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, आपने जो योजनाएं बनाई हैं, जो साकार किया है, उसका विस्तार से आपने वर्णन किया। आप लोग और एक प्रकार से पूरा देश और विशेष करके हमारे हेल्थ वर्कर्स, हर किसी ने अपनी अपनी जिम्मेवारी निभाने के लिए गत 1.5 साल से लगातार परिश्रम किया है। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक चुनौतियों के बावजूद टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से लेकर वैक्सीनेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया है, और विशेष रूप से आज मैंने देखा कि आपने जिस प्रकार से, कि ठीक है 4 राज्यों को अभी इंप्रूव करना बाकी है, लेकिन बाकियों ने बड़ी सेंसिटिविटी के साथ वेस्टेज को बहुत बड़ी मात्रा में रोका। इतना ही नहीं, आपने हर वायरल में से मैक्सिमम यूटिलिटी का भी काम किया और एक प्रकार से आपने प्लस प्रयास किया। तो मैं आपके इस प्रयास को, और खास करके हमारे मेडिकल फील्ड के लोग हैं जिन्होंने ये कुशलता दिखाई है, मैं उस टीम को बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि वैक्सीनेशन में वैक्सीन का इतना महत्व है और उसको इस प्रकार से पूरी तरह सेंसिटिविटी से हैंडल किया है। इसलिए मैं आपके सभी हेल्थ सेक्टर में काम करने वाले साथियों को बधाई देता हूं, और जिन 4 राज्यों में अभी कुछ कमी महसूस हो रही है वहां पर भी बहुत अच्छे ढंग से इस काम को किया जाएगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। साथियों, वर्तमान परिस्थिति से हम सब भली भांति परिचित है। कोविड की दूसरी लहर के दौरान अलग अलग सरकारों द्वारा मिलकर जो सामूहिक प्रयास किए हैं और उसका परिणाम भी दिख रहा है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट के कुछ जिले ऐसे हैं जहां संक्रमण के मामलों में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। इन संकेतों को हमें पकड़ना होगा, हमें और सतर्क रहने की जरूरत है और लोगों को भी लगातार सतर्क करते रहना पड़ेगा। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए हमें माइक्रो लेवल पर और सख्त कदम उठाने होंगे। और अभी हेमंता जी बता रहे थे कि उन्होंने लॉकडाउन का रास्ता नहीं चुना, माइक्रो कंटेनमेंट जोन का रास्ता चुना, 6,000 से अधिक माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए। इसके कारण रिस्पॉन्सिबिलिटी तय हो सकती है। उस माइक्रो कंटेनमेंट के जोन का जो इंचार्ज होगा उसे पूछ सकते हैं, भाई कैसे गड़बड़ हुआ, क्यों नहीं हुआ, कैसे अच्छा हुआ। इसलिए जितना जोर माइक्रो कंटेनमेंट जोन पर हम लगाएंगे, हम इस परिस्थिति से जल्दी बाहर आएंगे। और बीते 1.5 साल में जो अनुभव हमें मिले हैं, जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हमने देखी है, हमें उसका भी पूरा इस्तेमाल करना होगा। देश के अलग अलग राज्यों ने भी नए नए इनोवेटिव तरीके चुना है। आपके राज्य में भी कुछ जिले होंगे, कुछ गांव होंगे, कुछ अफसर होंगे जिन्होंने बड़े इनोवेटिव तरीके से इन चीजों को हैंडल किया होगा। ये बेस्ट प्रैक्टिसेस को आइडेंटिफाई करके उसको जितना ज्यादा हम प्रचारित करेंगे हमें सुविधा होगी। साथियों, हमें कोरोना वायरस के
हर वेरिएंट पर भी नजर रखनी होगी, क्योंकि ये बिल्कुल बहुरूपिया है, बार बार अपने रंग रूप बदल देता है और उसके कारण हमारे लिए भी चुनौतियां खड़ी करता है। और इसलिए हमें हर वेरिएंट पर बहुत बारीकी से नजर रखनी पड़ेगी। म्यूटेशन के बाद ये कितना परेशान करने वाला होगा, इस बारे में एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं, पूरी टीम हर बदलाव पर नजर कर रही है। ऐसे में प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट ये बहुत जरूरी है। इन दोनों से जुड़े उपायों पर ही हमें हमारी पूरी शक्ति लगानी है, पूरा फोकस इन्हीं चीजों पर करना है। वायरस का प्रहार, वो दो गज की दूरी, मास्क और वैक्सीनेशन के कवच के सामने कमजोर पड़ जाएगा। और ये हम पिछले 1.5 साल के अनुभव से देखा है। वही टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट, इसकी जो हमारी रणनीति है, जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो अगर बेहतर होगा तो ज्यादा से ज्यादा जीवन बचाने में हम सफल रहेंगे। ये पूरी दुनिया के अनुभवों से प्रमाणित हो चुका है और इसलिए हमें हर नागरिक को कोरोना बचाव के लिए बने नियमों का पालन करने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करते रहना होगा। समाज के भी, सिविल सोसाइटी के लोग हो, धार्मिक समाज के जीवन के आगे मुखिया लोग हो, इन सब से बार बार ये बातें आती रहे, इसके लिए प्रयास करना पड़ेगा। साथियों, ये सही है कि कोरोना की वजह से टूरिज्म, व्यापार, कारोबार ये बहुत प्रभावित हुआ है, लेकिन आज मैं बहुत जोर देकर कहूंगा कि हिल स्टेशन में, मार्केट्स में बिना मास्क पहने, बिना प्रोटोकॉल का अमल किए बिना भारी भीड़ का उमड़ना, मैं समझता हूं एक चिंता का विषय है, ठीक नहीं है। कई बार हम ये तर्क सुनते हैं और कुछ लोग तो बड़ा सीना तान करके बोलते हैं, अरे भाई तीसरी लहर आने से पहले हम एंजॉय करना चाहते हैं। ये बात लोगों को समझाना जरूरी है कि तीसरी लहर अपने आप नहीं आएगी। कभी कभी लोग सवाल पूछते हैं, तीसरी लहर की क्या तैयारी की है, तीसरी लहर के लिए आप क्या करेंगे। आज सवाल ये होना चाहिए हमारे मन में कि तीसरी लहर को आने से कैसे रोकना है, हमारे प्रोटोकॉल को चुस्ती से कैसे अमल करना है। अगर, और ये कोरोना ऐसी चीज है वो अपने आप नहीं आती है, कोई जाकर के ले आए तो आती है, और इसलिए हम अगर इन चीजों को बराबर सावधानी करेंगे तो हम तीसरी लहर को ही रोक पाएंगे। आने के बाद क्या करेंगे वो एक विषय है, लेकिन आते हुए रोकना ये प्रमुख विषय है। और इसके लिए हमारे नागरिकों में सजगता, सतर्कता, प्रोटोकॉल का पालन, इस पर हमने थोड़ा सा भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। और एक्सपर्ट भी बार बार ये चेतावनी दे रहे हैं कि असावधानी, लापरवाही, भीड़भाड़, ऐसे कारणों से कोरोना संक्रमण में भारी उछाल आ सकता है। और इसलिए ये जरूरी है कि हर स्तर पर हर कदम गंभीरता के साथ उठाए जाए। अधिक भीड़ वाले जो आयोजन रुक सकते हैं उनको हमें रोकने का प्रयास करना चाहिए। साथियों, केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे सबको वैक्सीन, मुफ्त वैक्सीन अभियान की नॉर्थ ईस्ट में भी उतनी ही अहमियत है। तीसरी लहर से मुकाबले के लिए हमें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया तेज करते रहना है। हमें वैक्सीनेशन से जुड़े भ्रम को दूर करने के लिए सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, शैक्षणिक,
जितने भी लोग हैं, जितने भी सेलिब्रिटीज हैं, सबको हमने जोड़ना है, हर एक के मुंह से इस बात को नीचे प्रचारित करना है और लोगों को मोबिलाइज भी करना है। अभी नॉर्थ ईस्ट के कुछ राज्यों में टीकाकरण को लेकर सराहनीय काम हुआ है, मैंने प्रारंभ में भी कहा, जहां कोरोना का संक्रमण फैलने का खतरा ज्यादा है वहां वैक्सीनेशन पर और भी बल दिया जाए। साथियों, हमें टेस्टिंग और ट्रीटमेंट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए आगे चलना है। इसके लिए हाल ही में कैबिनेट ने 23,000 करोड़ रुपये, भारत सरकार ने 23,000 करोड़ रुपये का एक नया पैकेज भी स्वीकृत किया है। नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य को इस पैकेज से अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में बहुत मदद मिलेगी। इस पैकेज से नॉर्थ ईस्ट में टेस्टिंग, डायग्नोस्टिक, जीनोम सीक्वेंसिंग, इसको बहुत बढ़ावा मिलेगा। जहां केस बढ़ रहे हैं वहां तुरंत आईसीयू बेड कैपेसिटी बढ़ाने में भी इससे मदद मिलेगी। विशेष रूप से हमें ऑक्सीजन पर पीडियाट्रिक केयर से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए तेजी से काम करना होगा। पीएम केयर्स के माध्यम से देश भर में सैकड़ों नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं और मुझे खुशी हुई आप सभी मुख्यमंत्रियों ने इस काम में जो तेजी से प्रगति हो रही है इसके लिए बहुत संतोष व्यक्त किया। नॉर्थ ईस्ट के लिए करीब 150 प्लांट स्वीकृत हुए हैं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि जल्द से जल्द पूरे हो, कहीं कोई बाधा ना आए इस पर भी एक दृष्टि रखें और इसके लिए आवश्यक जो मैन पावर है, स्किल मैन पावर है, उसको भी तुरंत साथ साथ तैयार कर लीजिए ताकि बाद में जाकर के वो दिक्कत ना आए। नॉर्थ ईस्ट की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए अस्थाई अस्पताल बनाना भी बहुत जरूरी है। एक और अहम विषय है, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा और फिर भी एक मैंने उल्लेख किया, ट्रेन मैन पावर का। जो ऑक्सीजन प्लांट लग रहे हैं, जो आईसीयू वार्ड बन रहे हैं, जो नई मशीनें ब्लॉक स्तर के अस्पतालों तक पहुंचाई जा रही हैं, उनको सुचारू रूप से चलाने के लिए ट्रेन मैन पावर भी आवश्यक है। इससे जुड़ी जो भी मदद आपको चाहिए केंद्र सरकार वो उपलब्ध कराएगी। साथियों, आज हम पूरे देश में 20 लाख से अधिक टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता तक पहुंच चुके हैं। नॉर्थ ईस्ट के हर जिले में, विशेष रूप से अधिक प्रभावित जिलों में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्राथमिकता के आधार पर बढ़ाना होगा। यही नहीं, रैंडम टेस्टिंग के साथ साथ हम क्लस्टर वाले ब्लॉक में एग्रेसिव टेस्टिंग करें, इसको लेकर भी हमें जरूरी कदम उठाने चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि हम सबके सामूहिक प्रयासों से, देश की जनता के सहयोग से हम कोरोना संक्रमण को सीमित रखने में जरूर सफल होंगे। मैं फिर एक बार आज विस्तार से नॉर्थ ईस्ट की चर्चा कर करके बहुत स्पेसिफिक विषयों पर हम चर्चा कर पाए, मुझे विश्वास है कि इन चीजों से आने वाले दिनों में नॉर्थ ईस्ट में जो थोड़ी बढ़ोतरी दिख रही है उसको तुरंत रोकने में हमारी पूरी टीम काम करेगी और सफलता मिलेगी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मेरी आपको बहुत शुभकामना है। जल्दी से मेरे नॉर्थ ईस्ट के भाई बहन कोरोना से मुक्ति का आनंद लें।